आप तक हम विश्लेषण पहुंचाते रहेंगे। तो बिल्कुल लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है, देश में चौथे चरण का मतदान हो रहा है। तो प्रदेश में पहले चरण का मतदान हो रहा है, 13 सीटों पर मतदान जारी है। राजस्थान के पहले चरण में जो सबसे हॉट सीट मानी जा रही है वो है जोधपुर सीट। जी हाँ, जोधपुर सीट पर मुकाबला माना जा रहा है कि सीधे तौर पर अशोक गहलोत और पीएम मोदी की प्रतिष्ठा यहाँ पर दांव पर लगी हुई है। पीएम मोदी के खास माने जाने वाले गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने सीट बचाने की चुनौती है और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि इस सीट पर मुकाबला मोदी वर्सेस गहलोत का है। ऐसे में सीट कांग्रेस का गढ़ भी मानी जाती है वैसे, लेकिन बावजूद इसके 2014 में यहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत जीत कर संसद पहुंचे। इस जीत का उन्हें फायदा भी मिला क्योंकि वो केंद्र में मंत्री बने। गजेंद्र सिंह मजबूत पक्ष इनका ये रहा है कि वो किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं और राजपूत समाज में उनकी गहरी पैंट भी मानी जाती है। लेकिन बीजेपी के लिए जो चिंता की बात इस बार है वो ये है कि हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए जोधपुर में, यहाँ 8 विधानसभा सीटों में बीजेपी को केवल 2 सीटें मिली हैं। जोधपुर में पानी, रोजगार और औद्योगिक विकास ऐसे मुख्य मुद्दे हैं। अब जरा कांग्रेस उम्मीदवार की हम बात करते हैं। देखिए, वैभव गहलोत का हम जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पर ये सीएम अशोक गहलोत के बेटे हैं, ये इनका एक पॉजिटिव फैक्टर है। यहाँ पर सीएम ने इनके लिए मेहनत भी काफी की है, वैभव गहलोत इसका फायदा ले सकते हैं, चुनाव में इनको जरूर इसका फायदा मिल सकता है। वैभव गहलोत को संगठन में काम करने का पुराना अनुभव रहा है तो ये भी इनको फायदा मिल सकता है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें, बीजेपी ने जोधपुर में पूरी ताकत झोंकी है, ऐसे में इस सीट का मुकाबला बेहद ही दिलचस्प माना जा रहा है। दोनों ही प्रत्याशियों में कड़ाके की टक्कर है। देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ पर जनता आखिर किसको अपना पक्ष देती है, किसको जनता जिताकर संसद में भेजती है। ये एक बड़ा मुकाबला यहाँ पर दोनों सीटों में देखने को मिलेगा। और राजस्थान की जो दूसरी सबसे हॉट सीट है वो है झालावाड़ 12 सीट। देखिए, इस सीट पर बीजेपी के दुष्यंत सिंह हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे हैं, कांग्रेस की ओर से बात कर रहे हैं तो प्रमोद शर्मा को यहाँ पर कांग्रेस ने उतारा है। इस सीट पर लगभग 3 दशक से राजे परिवार का कब्जा रहा है, इसका फायदा दुष्यंत सिंह को मिल सकता है। दुष्यंत सिंह पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे हैं, वो चौथी बार यहाँ से चुनाव मैदान में उतारे गए हैं। क्षेत्र में वसुंधरा राजे के कामकाज और राजपूत वोटरों पर देखिए दुष्यंत सिंह का पूरा प्रभाव देखने को मिला है। दुष्यंत सिंह खुद यहां से लगातार 3 बार सांसद रहे हैं, ऐसे में क्षेत्र में जो इनका खुद का जो प्रभुत्व है वो यहां पर काफी वर्चस्व इनका देखने को मिलता है। कांग्रेस की बात करें, देखिए कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती यहां पर ये रहेगी, झालावाड़ 12 की जो 8 विधानसभा सीटें हैं उनमें से 6 सीटों पर यहां पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है जो कि बीजेपी के लिए बड़ी राहत की बात है। इस क्षेत्र के आखिर मुद्दे क्या है अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखिए, यहां तमाम किसान से जुड़ी समस्या है, बेरोजगारी एक प्रमुख मुद्दा हो सकती है। कांग्रेस का जब जिक्र होता है तो कांग्रेस ने सीट पर नए चेहरे यानी प्रमोद शर्मा को यहां पर मौका दिया है। ये वही प्रमोद शर्मा है, आपको याद होगा वसुंधरा राजे से नाराजगी चल रही थी और जिसके चलते ये कांग्रेस में आ गए थे। लेकिन अनुभव की कमी और क्षेत्र में मजबूत पकड़ का ना होना कांग्रेस के लिए चिंता की बात जरूर हो सकती है। लेकिन 12 में कांग्रेसी नेता प्रमोद जैन का जो बड़ा असर है जिसका फायदा प्रमोद शर्मा को मिल सकता है। लेकिन सवाल यही रहेगा लगातार कि आखिर जनता किसका साथ देगी, ये देखने वाली बात होगी। और राजस्थान के बाड़मेर लोकसभा सीट पर भी सबकी नजरें टिकी हुई है। क्षेत्रफल के लिहाज से ये देश की दूसरी सबसे बड़ी लोकसभा सीट है जिसमें बाड़मेर और जैसलमेर 2 जिले शामिल हैं। इस सीट पर मुकाबला रहेगा, देखिए मानवेंद्र सिंह होंगे और बीजेपी से कैलाश चौधरी के बीच कड़ाके की टक्कर आपस में देखने को मिलेगी। हम बीजेपी की बात करें, देखिए कभी बीजेपी में शामिल रहे थे यही मानवेंद्र सिंह, आज बीजेपी के लिए ही चुनौती बनते हुए नजर आ रहे हैं। मानवेंद्र सिंह की हम बात कर रहे हैं, 1998 में बाड़मेर से ये पहला चुनाव हार गए थे। बीजेपी ने इस बार कर्नल सोनाराम को टिकट नहीं दिया है और इस बार यहाँ पर कैलाश चौधरी जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं, इन पर यहाँ पर दाव खेला है भारतीय जनता पार्टी ने और इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोटर इसी वर्ग से हैं, जबकि राजपूत वोटरों की संख्या दूसरे नंबर पर आती है। कैलाश चौधरी की चुनौती सबसे बड़ी ये भी है कि यहाँ पर कर्नल सोनाराम के टिकट काटे जाने से जो उनके समर्थक हैं वो नाराज हैं, वो इनका खेल थोड़ा सा बिगाड़ सकते हैं। कैलाश चौधरी आरएसएस के पहली पसंद माने जाते हैं। ये बाड़मोर और बालोतरा ये दोनों ही जगह ऐसी हैं, दोनों इलाके ऐसे हैं जहां पर इनकी बहुत अच्छी पकड़ भी देखने को मिली है।
उन्हें यहां से ये फायदा मिल सकता है, लेकिन कैलाश चौधरी के सामने जो भीतरघात का खतरा है वो इनके सामने लगातार कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, जिसका डर बना हुआ है। बाड़मेर का जो मुख्य मुद्दा है, हम बाड़मेर की बात करें, मुख्य मुद्दा यहाँ पर रिफाइनरी का रहेगा, सिंचाई का रहेगा, जो पीने का पानी है उसका रहेगा, और बेहतर रेल सेवा जो प्रमुख मुद्दा यहाँ पर हमेशा से रहा है, इस बार भी कहीं ना कहीं वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। और अब बात करते हैं राजसमंद सीट की, यहाँ मुकाबला बीजेपी की दिया कुमारी एक ओर है तो दूसरी ओर कांग्रेस के देवकी नंदन का मुकाबला इनसे रहेगा। जी हाँ, बेहद दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। जयपुर राजघराने की सदस्य हैं दिया कुमारी, इस बार राजसमंद से भारतीय जनता पार्टी ने इनको मौका दिया है, मैदान में उतारा है, टिकट पर चुनावी मैदान में ये इस वक्त हैं। दिया कुमारी अपनी दादी और पूर्व राजमाता गायत्री देवी की राह पर चलती हुई नजर आ रही हैं। गायत्री देवी ने जयपुर लोकसभा सीट से लगातार 3 चुनाव जीते थे, आपको याद होगा। दिया कुमारी के चुनाव में मेवाड़ के बीजेपी नेता जो गुलाबचंद कटारिया हैं, उनकी पूरी तरह जो सक्रियता है वो दिखाई दी। दिया कुमारी विधायक भी रह चुकी हैं। राजसमंद में जो मुख्य मुद्दे हैं उन पर देखिए नजर डालते हैं। यहाँ पर शुद्ध पानी का मुद्दा है, सड़क का मुद्दा है, बस स्टैंड का है, जो बड़े मुद्दे यहाँ पर रहेंगे। दूसरी ओर हम बात करते हैं कांग्रेस के देवकी नंदन की, कड़ी टक्कर इनको देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं देवकी नंदन गुर्जर। सीपी जोशी के बेहद करीबी ये माने जाते रहे हैं देवकी नंदन गुर्जर, जिसकी वजह से उन्हें टिकट भी दिया गया है। देवकी नंदन गुर्जर कांग्रेस के सबसे बुजुर्ग प्रत्याशी हैं, यानी कि जो इनका राजनीति में जो अनुभव है वो बेहद ही लंबा यहाँ पर इनका रहा है। जो पिछड़ी जाति है उस पर भी इनकी मजबूत पकड़ देखने को मिली है, और माना जा रहा है कि इसी का फायदा इनको इस बार मिल सकता है। बिल्कुल, तो हमारे सहयोगी लक्ष्मी ने तमाम जानकारियां दी। जोधपुर, झालावाड़, बारां, बाड़मेर, राजसमंद, ये 4 हॉट